गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो कल पेपर है, कल पेपर है एडवांस का, तो वाली सिर्फ तीन चार चीजें हैं जिसका ध्यान रखना। पहला पहला रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आई वांट टू से, हर साल आईआईटी में क्या होता है, सरप्राइज एलिमेंट होता है। सरप्राइज मतलब हो सकता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, हो सकता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। उसकी मार्किंग स्कीम है वो तुमको देखना पड़ेगा। तुमको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है ध्यान से, उसको समझ लेना है। इसमें क्या क्या देखोगे, किस टाइप का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में हमको सारे क्वेश्चन को मार्क करना है, अगर अगर है तो मार्क नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, पेपर वन में नेगेटिव मार्किंग दे देता है और पेपर टू में नहीं देता है, या इसका उल्टा भी कर सकता है। तो तुमको दोनों पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, पार्शियल मार्किंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, प्लस फोर माइनस टू है कि प्लस फोर माइनस वन है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा चेंज होगा। पार्शियल मार्किंग अगर है कि चार में से अगर मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग है तो स्ट्रेटजी अलग होगा, नहीं है तो अलग होगा। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ना, भले तुमको पता है तो भी, पहला चीज, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट इज द आइडेंटिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ आईआईटी। आईआईटी हर साल कुछ नया करता है तो तुमको इसमें फंसना नहीं है। दूसरी बात का ध्यान रखना कि तुमको अपना रफ वर्क कैसे मैनेज करोगे। रफ वर्क मैनेजमेंट हम जनरली जल्दी होते हैं तो रफ वर्क बहुत गंदा करते हैं। हम जनरली बहुत जल्दी में होते हैं, हम रफ वर्क को बहुत गंदा करते हैं, ऐसा मत करना। तुमको जो रफ वर्क के लिए पेज दिया जाएगा उसमें क्या करना, किसी भी क्वेश्चन को जब रीड करना, तुम क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन को रीड करना तो उसका एक डायग्राम बना लेना ऐसे करके, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, और ये पेंसिल से करना। किससे? पेंसिल से, यूज पेंसिल। क्यों बता रहा हूं, अगर जगह घट जाएगा तो तुम पेंसिल के ऊपर पेंसिल दोबारा कर सकते हो। अगर जगह तुमको कम पड़ गया लास्ट में तो तुम पेंसिल के ऊपर पेंसिल लिखोगे तो दिख जाता है, तो पहले पेंसिल से करना। तो इसमें तुम क्या, क्वेश्चन नंबर वन लिखा, अब तुम या कोई भी है क्वेश्चन, तुमने उसको पढ़ा, जब तुमने पढ़ना शुरू, याद रखना क्वेश्चन दो बार ना पढ़ना पड़े, भले क्वेश्चन बने ना बने, वापस बाद में बनाए, लेकिन क्वेश्चन को तुम डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिख लो। जैसे लिखा है देयर इज ए सिलेंडर, देयर इज ए सिलेंडर, ठीक है, देयर इज ए सिलेंडर हैविंग ए पिस्टन, ऑल द वॉल्स आर एडियाबेटिक वॉल्स, सो लिख दिया एडियाबेटिक वॉल्स। अब इसमें लिखा इसके अंदर 3 मोल ऑफ हीलियम लिख दिया, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज समथिंग, व्हाट इज आस्क्ड, टेम्परेचर इज गिवेन 300 केल्विन, नाउ सम हीट इज गिवेन टू इट एंड इट एक्सपेंड्स, सम हीट इज गिवेन एंड इट एक्सपेंड्स। तुमको क्या होगा, लिखने के दौरान क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, हो सकता है बन भी जाए, नहीं बनेगा तो भी, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तो तुम इसको छोड़ के जब जाओगे, जब वापस आओगे तो तुमको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको अच्छे से लिखना, रफ वर्क ऐसा करना कि जो क्वेश्चन को पिक्टोरियल फॉर्म में तुरंत में एक ग्लैंस में दिखा दे कि क्वेश्चन था क्या, पूछा क्या था। तो इसको ठीक से करना, रफ वर्क का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तीसरी बात, उसी तरह से मान लो कोई क्वेश्चन है कि देर इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर, सबको एक बार रफ वर्क में कर लेना पेंसिल से। तीसरी बात, इस रूल को याद रखना, सबसे पहले जब तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब तुम उसको बनाओगे, तुम जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो या तुमको लगता है उस टॉपिक में ट्विस्ट कम होते हैं, क्वेश्चंस में इनोवेशन कम होते हैं, क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बनाने की इसका स्कोप नहीं है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स,
जैसे ऑप्टिक्स, जैसे वेव्स, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जैसे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स नहीं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई में क्विस्ट हो सकता है। तो तुमको जहां लगता है तो तुम खोजना क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है इसको याद रखना, 20% 20% इन ईच सब्जेक्ट इजिएस्ट वन, इजिएस्ट सबसे आसान क्वेश्चन खोज के 20 क्वेश्चन फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में और 20% मैथ में बना लेना। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है किसी पेपर में, 20 क्वेश्चन का 20% होता है कितना, 4 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का 20% होता है 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 मैथ में सही सही बना लेना। खोजना पड़ेगा, और खोजोगे कैसे, तुम्हें क्वेश्चन जब देखोगे ना तो दिख जाएगा, अरे ये क्वेश्चन तो एक्सरेज का है, ये तो बन ही जाएगा हमसे, और ये क्वेश्चन तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, बन ही जाएगा, और ये क्वेश्चन तो YDSE का है, बन ही जाएगा, और ये तो रोटेशनल का है, अभी छोड़ दो बाद देखेंगे, ये डॉपलर इफेक्ट का है, एक ही फॉर्मूला है, इससे बन जाएगा। तो इस तरह से करके पहले सिलेक्टिव 20% बना लेना। बन गया 20%, तो तुमको यहां पर यह समझ में आ जाएगा कि तीनों में कौन सा पेपर डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा आसान है। अगली बार जब क्या जो है करना, अब ये तो ईच सब्जेक्ट का हो गया, तुम कट ऑफ भी पार कर गए, सिलेक्शन ही तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब तुमको क्या करना है, बढ़ाना है नंबर को। इसको करने के बाद चार चार क्वेश्चन, अगर मैं मान के चलूं कि 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में है, तो चार चार क्वेश्चन करने के बाद अब क्या करना, अब सब्जेक्ट मत देखना कि फिजिक्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से या मैथ से, अब बस इतना समझना 10% करके बढ़ाते जाना। फिर से याद रखना, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम टेकिंग में जा रहे हैं। तुम उसके 10% का मतलब क्या हो गया कि तो अब तुम ये इस स्टेप के बाद तुम ये मत देखना कि तुम जो अगला क्वेश्चन ले रहे हो फिजिक्स ले रहे हो, केमिस्ट्री से या मैथ, हो सकता है तुमको लगे कि मैथ बहुत डिफिकल्ट आ गया है, केमिस्ट्री बहुत आसान है या फिजिक्स बहुत आसान है, क्योंकि तो यहाँ पे जब तुम चार क्वेश्चन बहुत जल्दी फिजिक्स में ढूंढ लिए थे बट केमिस्ट्री मैथ में नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी क्या है। अब तुमको अपना मार्क्स बढ़ाना है, सब्जेक्ट नहीं बढ़ाना है, सब्जेक्ट को बराबर ट्रीट मत करो, जो पेपर आसान लग रहा है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंट का है, उसको बढ़ाते जाओ। और 10-10% यानी कि अगर 60 क्वेश्चन है, 6-6 क्वेश्चन, चाहे जहां से हो सकता है इस 10% में हो सकता है चार तुमको फिजिक्स सही लग जाए, एक केमिस्ट्री लग जाए और एक मैथ लग जाए, अगले में तुमको हो सकता है 3 फिजिक्स लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे तुम नंबर बढ़ाते जाओगे, ये एक स्टेज हुआ, इस स्टेज को पार करोगे तो दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, फिर चौथा स्टेज, 50% से ज्यादा तुम स्कोर कर नहीं पाओगे, कर लो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कर नहीं पाओगे। तो तुम याद रखना कि तुम्हारे पास एक घंटे में अगर 20 क्वेश्चन फिजिक्स में बनाना है, तुमको मैक्सिमम 12 बनाना है, तो टाइम की कमी नहीं है, बट जो बनाना है सही बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें आप ज्यादा मत बनाइए, जितना बनाइए सही बनाइए, इसीलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया इंस्ट्रक्शंस पढ़ना सबसे पहले ध्यान से, दूसरा रफ वर्क को अच्छे से मैनेज करना, पेंसिल से लिखना, बाद में अगर भर जाएगा ऊपर से पेंसिल लिख देना, दिख जाता है, मिटाना मत। और पहले 20% यानी कि 20 में से चार चार क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बना लेना सही सही, और वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम वो सेलेक्ट करोगे तो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, किसी ऐसे क्वेश्चन में मत फंसना। याद रखना 30% पेपर तो इसलिए दिया जाता है कि आप उसको टच भी ना करें, उसको टच करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 30% लीव करना है, नहीं बनाना है, इसको कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है 20% हो, मतलब ये 20-40% हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए दिया जाता है एडवांस में, उसको टच भी मत करना, करंट लगेगा। एंड लास्ट चौथा इंस्ट्रक्शन, जो गैप होगा दो पेपर का, पेपर वन और पेपर टू, उसमें कुछ मत सोचना, सो जाना, उसमें कुछ मत सोचना, सो जाना। अपने साथ किसी को ले आ सकते हो, पेरेंट्स को, भाई को, किसी को ले आ सकते हो, लेके जाओ,
ताकि वो लोग तुमको उस ब्रेक में पानी दें और एक चादर बिछा के, जहाँ भी सेंटर होगा बाहर कोई गार्डन वार्डन होता है वहाँ एक चादर बिछा के लेट जाना। दो घंटे का गैप है, कम से कम एक घंटे या 45 मिनट आँख बंद करके सो जाना, कुछ मत सोचना। पेपर वन कैसा गया नहीं गया कुछ मत सोचना, पेपर टू के बारे में ही मत सोचना कैसा जाएगा, बस तुमको सोना है। अगर लगे माथा ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो करना क्या कि एक गीला कपड़ा लेकर, रुमाल लेकर, रुमाल को भिंगा के ठंडे पानी से आँख पे डाल देना। कोशिश करना कि अपने दिमाग को जितना ज़्यादा स्टेबल स्टेट में ला सकते हो ले आना, उससे तुम्हारा दिमाग की एफिशिएंसी नेक्स्ट सेटिंग में बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार इंस्ट्रक्शन हैं। फोर्थ ये है कि इन 2 आवर गैप टेक ए डीप स्लीप। स्लीप मतलब इसको बोलते झपकी मार लेना, या कम से कम और कुछ नहीं तो आंख बंद करके कुछ मत सोचना 45 मिनट तक, अपने आप को एकदम शून्य में लेके चले जाना। बस इतना तो करना है, तुम्हारे पास इतना सफिशियंट नॉलेज है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड तुम क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में कोई गलती ना करो। 50% मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स होगा, 30+ में तो तुम्हारा अच्छा रैंक आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये हाई स्कोरिंग पेपर नहीं है, बिकॉज ये मत समझना कि तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं, नहीं, तुम्हें 30 ही क्वेश्चन बनाना है 3 घंटे में। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको तुमने बनाने की कोशिश की नहीं बना वो टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना, उसको मार्क कर लेना, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, पार्शल मार्किंग है या नहीं है, किस टाइप का क्वेश्चन है, एक नया इनोवेटिव हो सकता है, राउंड ऑफ करना हो, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, उसमें लिखा है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर की राउंड ऑफ करना है पिछला इंटीजर की राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट जो है इंटीजर, या राउंड ऑफ करना है कितना डेसिमल प्लेसेस तक, राउंड ऑफ करना है कितना डेसिमल प्लेसेस तक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि डेसिमल के पहले इतना डिजिट देना है और डेसिमल के बाद इतना डिजिट देना है। तो मान लो तुम्हारा, हम कह रहे हैं कि अगर डेसिमल के पहले 3 देना है और डेसिमल के बाद 2 देना है, तो अगर मेरा 27.8 आ रहा है तो डेसिमल के पहले 3 जाएगा तो यहाँ पे 0 भी आएगा, और डेसिमल के पहले 2 आएगा तो यहाँ भी ये आएगा 0 आएगा। तो वो मैटर करता है, वो इंस्ट्रक्शंस मैटर करते हैं, वो हर साल चेंज होता है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले पढ़ना ध्यान से, रफ वर्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और 20% पहले, फिर उसमें 10-10% जोड़ते जाना। तो 20% पहला जो 20% है, हो सकता है तुम हाफ एन आवर में कर लो, तो तुम सबसे आसान क्वेश्चन कर रहे हो, तो पूरे पेपर का 20% तुम 3 घंटे का पेपर है तो हो सकता है 30 मिनट में कर लो, हो सकता है उससे कम में भी कर लो, क्योंकि कुछ तुम उन क्वेश्चंस को ढूंढोगे, कुछ क्वेश्चन तो वो होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरेटिकल मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस स्टेटमेंट्स हैं सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, तुमको मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस में टिक करना है कि कौन सा सही है। तो कहने मतलब आसान आसान क्वेश्चन चूज करके तुमने इसको अगर कर लिया, फिर तुम क्या करो, अगला एक स्टेज स्टार्ट करो, एक अगला फेज स्टार्ट करो, उसमें 10% और बढ़ा दो नेक्स्ट, इसके बाद के आसान क्वेश्चन चूज करके फिर 10% बढ़ा दो, तो तुम्हारा 10-10% बढ़ता चला जाएगा। एक बार तुमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ पार कर लिया, और बाद में तुम्हारा जो है टोटल मार्क्स अगर ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा ला सकते ले आओ। ठीक है, चार पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, रफ मैनेजमेंट फर्स्ट, ये तो एग्जाम हॉल के भीतर का है, ये तो एग्जाम हॉल के भीतर का है, ये 3 जो पॉइंट है एग्जाम हॉल के भीतर का है, और ये 4th पॉइंट जो है एग्जाम हॉल के बाहर का है। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, पेपर कैसा गया नहीं गया किसी से बात नहीं करना है, कट जाना गैप। ठीक है, चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल शाम में एक बार होगा तो बताना पेपर कैसा गया, मैं भी देखता हूँ कल का पेपर कैसा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, फोड़ देना। कोई भी गलती मत करना, तुम लोग को बहुत आता है, तुम लोग को जितना आता है उतना बहुत कम बच्चों को आता है, इस बात को ध्यान रखना। बस एक चीज है, कन्वर्जन, एग्जाम हॉल में गलती मत करना, क्वेश्चन के सिलेक्शन का गलती मत करना, बस क्वेश्चन तो बन ही जाएगा जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए, प्रोवाइडेड तुमने कोई गलत क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया, और लगे गलत है तुरंत छोड़ देना,
लगे गलत है, थोड़ा सा भी लगे तुरंत छोड़ देना, बढ़िया में, ठीक है, चलो बाय।